जो तस्वीरें आ रही है आईडीएफ की तरफ से जो रिलीज की गई है, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस, और यहां पे जो हमास की जो लॉन्च साइट्स है जहां से वो रॉकेट्स दागते हैं इजरायल की तरफ, उसके ऊपर निशाना बनाकर हमला किया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जितने ये रिहायशी इलाके हैं और वो इलाके जहां पर चाहे मस्जिद हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, उनके बीच में रॉकेट्स लगाने की और लॉन्च करने की जो व्यवस्था है वो वहां पे की गई है, क्योंकि हमास ये चाहता है कि मैक्सिमम सिविलियन कैजुअल्टी हो अगर काउंटर ऑफेंसिव इजरायल की तरफ से किया जाता है। तो लगातार आप देख पा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये फोटोज जारी की गई है, ये इमेजेस रिलीज की गई है, और आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही मीटर दूर ही है जहां तक अगर कोई स्कूल है, कोई मस्जिद है, कोई अस्पताल क्यों ना हो। अदिति, ये जो तस्वीरें आ रही है ये आईडीएफ की तरफ से ये दर्शाता है कि हमास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे प्लेस है जो रिहायशी इलाकों के पास हो। बिल्कुल अमिता, ये साफ तौर पे कहना है इसराइल का कि हमास यूज़ कर रहा है इन सब जगहों को बचने के लिए ऐसे ही अटैक्स से। लेकिन इसराइल ने अब ये भी कह दिया है कि अब ये जंग सिर्फ कुछ महीनों की बाकी है, और यहाँ पर इसराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब शुरू हमास ने किया था लेकिन ख़त्म इसराइल करेगा। यहाँ पर इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें दिखाया गया है कि कैसे ये एक टेररिस्ट हाइडआउट है और ये यूएन बिल्डिंग है। तो मान लीजिए अगर इसराइल अटैक करता है तो कितना डिफिकल्ट होगा यहाँ पर इन सभी लोकेशंस को टारगेट करना। बट इसराइल ने कह दिया है कि अब ये जंग जो कुछ महीनों में बाकी है वो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर टेरर हाइडआउट बचें। हमास को ख़त्म करना इसराइल ने ठान लिया है। यहाँ पर दूसरी तस्वीर में आपको दिखा देते हैं, मॉस्क यहाँ पे है और यहाँ पर एक टेरर हाइडआउट है। आप देख सकते हैं कि कैसे लॉन्च साइट्स आर प्रिसाइसली टारगेटिंग दीज प्लेसेस। ये सब हमास यूज़ कर, अब देख लीजिए यहाँ स्कूल है, यहाँ स्कूल है, हमास का यहाँ पर एक टेरर हाइडआउट है। यहाँ से वो मासूम इजरायलियों की जान ले रहा है, यहाँ पर वो बैठ के प्लान कर रहा है कैसे जी, और हमास एक तरीके से जानता है और चाहता है कि मासूम जो वहाँ पे लोग, जो पैलेस्टीन के लोग हैं, उन्हें भी मार गिराया जाए, ये आखिरकार उसका मकसद रहा है। धन्यवाद आपका अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए।